हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, टू चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस, Q1 इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। द पोजिशन ऑफ ए थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सच दैट देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट। सो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक चार्ज। सो इसको हमने रखा Q1 चार्ज, और हमारे पास एक दूसरा चार्ज है, इसका नाम हमने रखा Q2 चार्ज। और Q2 चार्ज और जो Q1 है वो है 4 × 10⁻⁶ कूलम, और जो सेकंड चार्ज है 9 × 10⁻⁶ कूलम। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे एक बीच में थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे, और उस थर्ड चार्ज का नाम हमने रखा, सपोज वी प्लेस ए थर्ड चार्ज क्यू नॉट और वी प्लेस क्यू। सो अब इस चार्ज के ऊपर, इस थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स नो रिजल्टेंट फोर्स, इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स ना हो तो ऐसी सिचुएशन कब होगी? इसका मतलब ये होगा कि अगर ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाए, इधर मान लो Q1 ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई और Q1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई F1, ऐसे इधर से Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई मान लो F2। सो अब इसके ऊपर अगर नेट फोर्स हम बोले कि दोनों का सम है ना F1 + F2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये चीज हमें करनी है, दोनों का सम नेट फोर्स 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? F1 इज इक्वल टू -F2 हो जाए, है ना। या हम ये कहें कि दो फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड की टर्म में अगर हम बात करें, दोनों की अगर हम मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें, सो हम ये बोलेंगे कि F1 इज इक्वल टू F2 हो जाए मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन में तो देखो अपोजिट रहेगा। हम ऐसे ही बोल सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 हो जाए, और E1 का हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है। मान लो यहां से हमने इसको प्लेस किया, इस चार्ज को एक्स डिस्टेंस पे, और ये जो बाकी हमारे पास बचा इसको हमने लिखा 10 - x। सो अब हम x1² इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख लिया E1, और इसको E2 को भी हम लिख लेंगे। सो ये कितना हो गया Q2 डिवाइडेड बाय 10 - x² होल स्क्वायर। सो अब वैल्यू प्लेस करेंगे Q1 और Q2 की। सो अब मैं Q1 और Q2 की वैल्यू प्लेस करता हूँ। सो Q1 कितना है मेरे पास? 4 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय x1² मींस x² इसको x² हमने लिखा इज इक्वल टू Q2 कितना है 9 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय 10 - x² होल स्क्वायर। सो ये 10⁻⁶ 10⁻⁶ इट इज गोन। ये स्केयर को भी यहाँ हम हटा देंगे, सो व्हाट इज लेफ्ट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये हो गया 3। सो दिस इज 2 / x इज इक्वल टू 3 / 10 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम्स 20 - 2x इज इक्वल टू 3x, और दिस बिकम्स 20
माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो 20 माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो, और 20 इज इक्वल टू फाइव एक्स, सो दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो एक्स हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स दिस एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स वट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट फ्रॉम Q1, distance of Q naught is 4 centimeter, and from Q2, distance of Q naught is equal to 6 centimeter. So keep in mind the Q naught, it is not placed exactly at the center. Center pe nahi hai. Wo kis taraf means 9 into 10 to power minus 6 कूलम से दूर है, 6 सेंटीमीटर दूर है. तो जिधर ज्यादा चार्ज है उसकी तरफ है, जिधर ज्यादा चार्ज है उसकी तरफ है, क्योंकि बैलेंस फोर्स करनी है, नो रिजल्टेंट करना है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है. तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो तभी होगा जब ये एक हैवी चार्ज की तरफ हो, हैवी चार्ज की तरफ होगा. ओके, सो 9 into 10 to power minus 6 and 4 into 10 to power minus 6. अब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक शॉर्टकट भी है. अब इसको एक शॉर्टकट से करते हैं, उससे हम बहुत इजीली इसको कर पाएंगे. सो लेट मी फर्स्ट इरेज शॉर्टकट. so, से हम इसको विद इन 1 मिनट हम इसको कर पाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा. सो शॉर्टकट करने के लिए हम इसको, हमारे पास जो टेक्निक है वो टेक्निक हम यूज करेंगे कि जो एफ नेट है वो सबसे मेन चीज है कि वो जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए. सो एफ नेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एफ नेट दैट शुड इक्वल टू जीरो, और जहां ये होता है दैट इज कॉल्ड नल पोजिशन, उसको हम बोलते हैं नल पोजिशन. नल पोजिशन जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो होगी नल पोजिशन. अब उस नल पोजिशन को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं, सो हम उस नल पोजिशन को अब कैलकुलेट करेंगे. एक्स दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट Q2 upon Q1 minus 1. So I can solve for x. So x is equal to d is 10 centimeter. So you convert it into meter, you will get 10 to power minus 1 meter. 10 to power minus 1 meter. So 10 to power minus 1 meter. 10 to power minus 1 meter. Now, so d is 10 to power minus 1 meter, and the two charges we have, we know Q2, and Q2 is equal to 9 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, and Q1 is equal to 4 into 10 to power minus 6 coulomb. So this 10 to power 6 is cancelled. And sorry, this is not minus 1, this is plus 1. This is plus 1. So x is equal to 10 to power minus 1 meter divided by, this becomes root 9 upon 4. Root 9 upon 4 plus 1. So this can be written as x is equal to 10 raised to the power minus 1 meter and divided by 3 by 2 plus 1. So x is equal to, I can write it 1 upon 10, and 3 plus 2, 5,
upon 2. So this is 5. So x is equal to 1 upon 25 meter. I will convert it into centimeter. So 100 upon 25, and this is equal to 4 centimeter. And the result is same. So this is a shortcut technique to do this question. So directly, x is equal to the null position is equal to d, where d is the separation between the two charges, q2 upon q1. So q2 ko pehle rakhenge and usko q1 se divide karenge plus 1. क्योंकि यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव बनना चाहिए. x must all the time it must be positive. अगर हमारे पास एक ये तो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, q1 भी पॉजिटिव था, q2 भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये q2 भी पॉजिटिव चार्ज है. बाय चांस अगर हमारे पे हमारे पास दोनों में से एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, सो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे माइनस वन डाल देंगे, माइनस वन डाल देंगे. सो एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है. सो वहां पे फर्क किस चीज का पड़ेगा, डायरेक्टली शॉर्टकट से हम कर पाएंगे, यहाँ पे उसको सिर्फ माइनस वन रखेंगे. सो लेट मी इरेज दिस एंड देन आई विल मूव. Okay, so let me go to the next question. So this is the solution, how we can find out the null position. So you can find the null position in this way. So our answer is x is equal to 4. Now we have three charges. We have three charges. And three charges, they are placed at the center, at the corner of an equilateral triangle of side A. So here we are given the side A, each side is A. So we are given this side is A, this side is again A, and this side is again A. So each side is A. And the three charges plus q is here, minus q is here, and minus q is here. So we have to find out, we have this charge at the centroid of the equilateral triangle, and we have to find resultant force. So F net, we have to find out F net. So on this plus q charge, what is the F net? This we have to find out, F net. And this q, this plus q is placed at the centroid. So how to find out? So let me take, I will apply the Coulomb law. So I will apply the Coulomb law between this charge and this charge first. So what is happening? There is attraction. So this is the attractive force, F attractive. This is F attractive. Similarly, if I take this charge and this charge, again there is the attractive force, F attractive. So look carefully, both the forces, they are moving downward. So their resultant F net, that will also be downward. So F net bhi niche ki taraf hoga, F net niche ki taraf hoga, aur ye F net hi hume calculate karna hai yahan pe. ये एफ नेट कितना होगा. सो अब देखो ये भी वन कूलम चार्ज, सॉरी ये भी मैग्नीट्यूड अगर देखें, सो जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना मैग्नीट्यूड सेम चार्जेस है. सो इधर भी सेम चार्जेस हैं. सो जितना एफ ये होगा उतना एफ ये होगा. सो इट मींस अगर मैं इसको बोल दूं कि दिस इज इक्वल टू, तो ये भी एफ होगा और ये भी फोर्स एफ होगी, है ना. सो आई कैन राइट जो एफ नेट होगा, F net that will be equal to two times F. So F net
we can write f net is equal to 2 times f. Now we know f. What is f? It is 1 upon 4 pi epsilon naught, two charges. So we have same charges, and this distance. So here this plus q is repelling this charge in the downward direction, so definitely all the three forces, this is also the same f. So this will behave like the resultant. So this is called the resultant. ये resultant की तरह काम करेगा. So अब ये हमें पता लगाना है कि ये distance कितना है, या ये distance कितना है, या ये distance कितना है. So उससे पहले हम अगर पता लगाना चाहें कि ये distance कितना है, so ये distance हमारे पास होगा root 2a by root 3. And this will be 1a by root 3. So ye bhi hamare paas kitna hoga? This is 2a by root 3. Again, this is also 2a by root 3. So hamare paas ye distances aa gaye. So hame abhi yahan pe apna distance likhna hai. ये डिस्टेंस लिखना है 2 by root 3 इनटू ए होल स्क्वायर. सो एफ नेट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 2 times एंड 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन दिस बिकम्स 4 a square and 3 will go to the numerator. So I can cancel this. So the f net becomes 1 upon 8 pi epsilon naught, and this is 3 q square. So this is the right answer, and this is 8 pi epsilon naught and a square also. So in this way we can find out. Let me explain it again. So all the three charges, this charge will apply a downward force, and this charge will apply attractive force in this direction. Similarly, this charge will apply the attractive force in this direction. So tino forces downward hongi. This is force ko hum resultant ki tarah treat kar sakte hain, aur ye jo resultant force hogi, is force ko hum directly yahan pe likh sakte hain. F net is equal to 2 times F, because एक F तो हमारे पास यहाँ से आ गया, एक F यहाँ से आ गया हमारे पास, और एक F यहाँ से. So ये जो net force है, that will become 2F. So 2F, F हमें पता है 1 upon 4 pi epsilon naught q square, और ये distance हमें निकालना है. चाहे तो ये distance calculate कर लो, क्योंकि पूरी अगर ये a है, so ये हम calculate कर सकते हैं. 2a by 3 होगा, ये होगा 1a by root 3. So हमें तो ये distance पता करना है, या ये डिस्टेंस पता करना है, है ना, या ये डिस्टेंस पता करना है. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 by root 3 a का स्क्वायर, एंड फाइनली वी विल गेट दिस आंसर. सो लेट मी इरेज दिस एंड गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Okay, so let us go for the next part. So this is the correct answer. Only just you, this is the 8. Okay. Now we have now let me read the question, and then I will proceed for the solution. So a charge of plus 2 microcoulomb is placed at x is equal to 0, and a charge of minus 32 microcoulomb at x is equal to 60 centimeter. A third charge minus q, now the third charge is minus q, be placed on the x axis such that
इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स. यहाँ पे भी क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लस टू माइक्रो कूलम इन सेंटीमीटर निकालना है. सो हमारे पास सिचुएशन क्या है, लेट अस गो फॉर दैट. सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू वन इज इक्वल टू प्लस टू माइक्रो कूलम, प्लस टू माइक्रो कूलम, एंड दिस इज जीरो सेंटीमीटर, जीरो सेंटीमीटर ओरिजिन पे है. और यहाँ से हम चलेंगे 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम चले 60 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर. हम यहाँ से चले और 60 सेंटीमीटर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा चार्ज है और वो Q2 है, और Q2 का हमने लिखा वो है -32 माइक्रोकूलम. सो अब हमें इसके बीच में एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है, और वो थर्ड चार्ज है -Q. ये थर्ड चार्ज ऐसी जगह में प्लेस करना है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस कि ये कितनी दूर रखा जाए प्लस टू माइक्रो कूलम से, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है एक्स, है ना. सो मैंने बताया था इसका शॉर्टकट है इस डिस्टेंस को निकालने का. इस डिस्टेंस को हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, है ना. और हमें ये भी चेक करना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहे, मतलब कि जितनी फोर्स इसने लगाई, Q1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, है ना, F1 मान लो F1 लगाई, और इधर से Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो F2 लगाई, तो यहाँ पे ये F नेट जीरो होना जरूरी है. F नेट जीरो के लिए हमने एक कैलकुलेशन की थी कि वो तभी हो सकता है जब हमारे पास नल पॉइंट हो या नल पोजिशन हो. सो वो नल पोजीशन हमारे पास क्या होगी, वो जो नल पोजीशन है, नल पोजीशन क्या होगी हमारे पास, वही नल पोजीशन हमारी होगी एक्स. सो उसी नल पोजीशन को हमें कैलकुलेट करना है. उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी अपॉन रूट Q2 अपॉन Q1. अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है. सो वन चार्ज इज पॉजिटिव, अदर चार्ज इज नेगेटिव. सो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बन जाएगा. सो अल्टीमेटली अगर हम -1 यहाँ पे ना करें, सो मेरा एक्स जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा. सो एक्स इन ऑल द कंडीशंस इट मस्ट बी पॉजिटिव. एक्स को तो पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव ही रखना है. सो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब नेगेटिव चार्ज आए तो ये बीच में माइनस आ जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू डी, मेरे पास कितना है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर. सो इसको मैंने लिख लिया 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे Q2 कितना है 32 × 10⁻⁶ कूलम, और Q1 कितना है यहाँ पे +2 × 10⁻⁶ कूलम. सो दिस इज कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 16. And this is -1. So what we get, x is equal to 60 centimeter divided by root 16, and this is -1. X is equal to 60 centimeter divided by 4 minus 1. So 60 divided by 3, and this is 20 centimeter. X is equal to 20 centimeter. So, ये जो डिस्टेंस हमने बात की एक्स, वो प्लस टू माइक्रो कूलम चार्ज से कितनी दूर होना चाहिए, वो माइनस क्यू चार्ज, ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहे. सो वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए. अगर वो 20 सेंटीमीटर होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगी. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो विद दिस आई स्टॉप माई लेक्चर. सो तीन क्वेश्चन हमने किए, और उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, थैंक्स.